सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक कारण दांत खराब होने का है कि हम उसको हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते, उनकी सफाई मेंटेन नहीं कर पाते, ना तो हम दांतों पे ध्यान दे पाते हैं और ना ही मसूड़ों पे। अगर किसी भी चीज़ की सफाई हम रखें तो जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है वो वहाँ नहीं होती, जिसकी वजह से ना तो कैविटीज़ होती हैं और ना ही गम प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरा सबसे कहना यही है कि अगर आप दांतों की सफाई रखें, जब मैं सफाई की बात करती हूँ तो डेफिनेटली दिन में दो बार ब्रश करें, बिल्कुल सुबह और रात। ये ना तो खुद भी अपनी आदत डालें बल्कि अपने बच्चों को भी इनकरेज करें कि ये आदत उनकी होनी चाहिए। साथ ही अगर आप कुछ भी मीठा जैसे चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, बच्चों को आप नहीं रोक सकते, एंड आई थिंक ये क्रिमिनल भी है कि बच्चों को मना करना कि ये मत खाओ, तो उस केस में आप क्या करें कि अगर आप बच्चों को चॉकलेट वगैरह कुछ दे रहे हैं तो इमिडिएटली खाने के बाद दें, क्योंकि उस टाइम मुँह में पीएच चेंज हुआ होता है, तो अगर आप उस टाइम देंगे तो चांसेस खराब होने के कम है। उसके इमिडिएटली बाद बच्चों को इनकरेज करें कि ब्रश कर लें, इससे काफ़ी हद तक कैविटीज़ खत्म हो जाएंगी, मतलब होंगी ही नहीं, और मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे। देखिए, दांतों का पीलापन कई कारणों की वजह से हो सकता है। फर्स्ट कारण तो यही है कि उसके ऊपर टार्टर, जिसे हम एक कैलकुलस या टार्टर कहते हैं, वो जमा हो जाता है, उसको आप नहीं रोक सकते। वो बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन है, हर 24 घंटे में ये परत बनती है, 24 घंटे में ये सॉलिडिफाई या सीमेंटेड हो जाती है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप दिन में दो बार ब्रश करें, क्योंकि अगर आप दो बार ब्रश कर रहे हैं तो इसकी कैल्सिफिकेशन या इसका जो सख्त होना है वो रुक जाता है, ठीक है। दूसरा, आजकल हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि ये जो पीलापन है वो दांतों में आ जाता है, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, बहुत ही कलरिंग एजेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल फूड्स जो हम खाते हैं, उसकी वजह से भी दांत बहुत पीले पड़ जाते हैं। वो नेचुरल कलर नहीं होता लेकिन दांत स्टेन हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं। तो उनके लिए तो इलाज डेफिनेटली, अगर आपको सफाई करानी है तो दांतों की सफाई एक अलग इलाज है, और अगर उनको वाइटनिंग करानी है तो वो एक अलग इलाज है। ये ध्यान में रखिए कि सेंसिटिविटी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर बॉडी में कुछ इंजरी है तो उसका एक बताने का तरीका है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी डेफिनेटली एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हम उसको पेस्ट से ठीक कर लेते हैं या इस तरह किसी भी तरह ठीक कर लें हम। तो सेंसिटिविटी क्यों होती है? सेंसिटिविटी दो कारणों की वजह से हो सकती है, या तो जो हमारे दांत का एनामल है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है और सबसे हार्डेस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई कमी हो गई है, या हमारे मसूड़े जो हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ये या तो एनामल मतलब टूथ सेंसिटिविटी हो सकती है या गम सेंसिटिविटी हो सकती है। तो ये एक सिचुएशन है जब बॉडी आपको फर्स्ट साइंस दे रही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको डेप्थ में जाके पता करना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि आप कोई भी एक टूथपेस्ट बाज़ार से ले आएँ जो कहती है सेंसिटिविटी को मैं ये ठीक कर दूँगी। वो वही बात हो गई कि भाई आपको दर्द हो रहा है, आपने कारण पता नहीं किया और आपने गोलियाँ खानी शुरू कर दी, सो दैट डजंट एलिमिनेट द कॉज। देखिए, अल्सर मुंह के अंदर जी 100 से भी ज़्यादा कारणों की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। बेसिक, अगर बाई चांस आपने कुछ तेज़ गर्म या ठंडा खा लिया, उसकी वजह से ओरल जो कैविटी है उसकी मेम्ब्रेन थोड़ा टूट गई और प्रॉब्लम हो गई। सेकेंडली, आपका कुछ दांत का कुछ नुकीला है यू नो, और वो आपको लग गया, ये वजह हो सकती है। पेट खराब हो तो आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। कई अदर तरह की बीमारियों में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, हर्पीज हो जाती है मुंह में, वो कई तरह के कारण हैं जो छाले आपके मुंह में होते हैं। तो किस कारण से आपको हुए हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक, एंड वो एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड ये आपको यही करना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ टेस्ट भी लिख के देते हैं, तो उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं।